नमस्कार, सीएमएन पर स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कनिका। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं की बयानबाजी जोरों पर है। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा एक बार फिर चर्चा का विषय बने हुए हैं। उन्होंने अफसरों को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अधूरे कार्यों का उद्घाटन करने आएगा तो जूते खाकर जाएगा। सांसद के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए उन्हें मर्यादा में रहने की बात कही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के चलते बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर अफसर उनके काम में अड़चन पैदा करेंगे तो उन्हें जूते मारेंगे। जनार्दन मिश्रा ने कहा कि अगर समय पर कार्य पूरे नहीं किए गए या फिर उसमें किसी के द्वारा कोई अड़चन पैदा की गई तो अफसरों को जूते मारे जाएंगे। वही कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव सांसद का बचाव करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस में आपस में ही जूतेबाजी हो रही है तो सांसद यह कह सकते हैं। कर्मचारी और डॉक्टर और कर्मचारी अभी नहीं मिल पा रहे, ढूंढ नहीं रहे। जिस दिन से प्रदेश सरकार बनी उनका कोई काम नहीं हो रहा, उद्घाटन करने आ रहे। मैं उन्हें बता दिया है जो उद्घाटन करने का कोई मीनार अधूरे काम पे आएगा तो जूता करके खा करके जाएगा। तो नई राजनीति चलेगी रीवा में। 15 साल हो गए हम लोगों कहते हैं कि प्रणाम कर लेते हो, अरे पार्टी की सरकार रही प्रणाम करता है नहीं आते काटा पता नहीं मारा भूछोड़ा का। कोई कहीं कहता आज सिलेंडर नहीं है, कोई कहता पाइप नहीं है, कोई कहता कुछ नहीं है। मैंने कलेक्टर को एक दिन बता दिया है कि अगर दिक्कत होगी दिशा में ना करते तो जूते चलेगा साहब। हमारे इसको शशिप्रभा चंद्रप्रभा को कहा है थे सीओ ने कि तुम्हारी जैसे नगर अध्यक्ष में देखता हूँ देखता रहता हूँ। तो हमने कहा तुम जूता मारो, वही कलेक्टर भी बैठा था, एसपी बैठा था, कमिश्नर भी बैठा था, आपसे नहीं नहीं कहा जूता मारो तुम सरकारी में। ऐसा कहा हमारे जाएंगे ये पक्का है, जो कोई गड़बड़ करेगा वो मारा जाएगा। 15 साल के पहले का काम शुरू हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी में जब आपस में जूतेबाजी हो रही है तो अब सांसद कहें तो कह सकते हैं क्या होता है? आप लोग कांग्रेस पार्टी में जब आपस में जूतेबाजी हो रही है तो अब सांसद कहें तो कह सकते हैं क्या होता है? ये कोई पहला मौका नहीं जब रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा इस तरह का बयान दिया हो। इन्होंने वे इससे पहले भी कई बार विवादित बयानों से चर्चा में रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे प्रदेश के अफसरों को ही टारगेट पर ले लिया। हालांकि अब देखना यह होगा कि उनके इस बयान पर कांग्रेस क्या प्रतिक्रिया देती है। हरियाणा के पीतल नगरी रेवाड़ी में बदमाशों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। बीती रात भी मामूली कहासुनी को लेकर हुए झगड़े में दो युवकों ने अपने ही साथी की चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या कर दी। आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। बचरा कॉलोनी के दिनेश का उसी के साथ उठने बैठने वाले कुछ युवकों के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसके बाद बीती रात वो युवक दिनेश को मिले और फिर उसी रंजिश को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि इनमें झगड़ा इतना बढ़ गया कि 4 युवकों में से 2 ने दिनेश पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। दिनेश के पेट में 4 बार चाकुओं से वार किए गए। मैं प्रमोद शर्मा, आज 4 महीने हुए मेरी FIR नहीं हुई है और मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है। पुलिस वाले बहुत परेशान कर रहे हैं FIR करने के लिए। बार बार चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गया हूँ। CEO कटघर सुदेश गुप्ता एंड लाजपत नगर के चौकी प्रभारी बबीता गंगवार बार बार झूठी रिपोर्ट बना के भेज रहे हैं कि जो भी लेन देन हुआ वो सब मुंबई से हुआ। प्रमोद जी ने यहाँ से कोई लेन देन नहीं किया, बल्कि मेरे खाते वगैरह सब मुरादाबाद के हैं और मेरी हत्या का जो आत्महत्या जो कर रहा हूँ उसकी जो दोषी हैं उसमें सोनाक्षी सिन्हा पुत्री सत्यवन सिन्हा बम्बई ध्रुमिल ठक्कर एडगर सुकारिया एक्सिट कंपनी के हैं एक्सिट इंटरटेनमेंट और सोनाक्षी की मैनेजर मालविका पंजाबी। इसके अलावा टैलेंट फुलान के अभिषेक सिन्हा ये सब जिम्मेदार हैं। इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है और काफ़ी लोगों का पैसा लगा हुआ है। वो लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, उनको मैं जवाब देते देते थक गया हूँ। अब मैं इतना परेशान हो चुका हूँ कि मैं अब आगे जीने की बिल्कुल क्षमता ख़त्म हो चुकी है। आज SSP कटघर SSP साहब से मिला,
उन्होंने कहा कि तुझे तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है यहाँ से, तुम्हारा कोई लेन देन यहाँ से हुआ ही नहीं है मुरादाबाद से। अब ये बताइए, मैं अपनी कंपनी मेरी मुरादाबाद की है, कंपनी से मैंने यहाँ से पैसा ट्रांसफ़र किया, GST है मैंने यहीं दिया, इसके बाद भी ये लोग मेरे FIR लिखने तैयार नहीं हो रहे हैं। अब मैं इन सबको जिम्मेदार मानता हूँ और इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दिनेश को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया है, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। निगम ने फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे धोखाधड़ी के, क्या उसमें मुरादाबाद पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई? एक एप्लीकेशन हमें प्राप्त हुआ था कि एक इवेंट मैनेजर ने, वो मुरादाबाद के रहने वाले हैं, कि उनके साथ चीटिंग की गई है, 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखे हैं और अभी विवेचना प्रचलित है। क्या उसमें सर फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा का नाम भी उन्होंने बताया? उनका नाम भी है। आगे क्या कार्रवाई? आगे हम लोग उसमें एविडेंस कलेक्ट करेंगे और एविडेंस कलेक्ट करने के बाद जो भी बनता है उस हिसाब से हम लोग आगे करेंगे। आपको यह भी बता दें कि सभी आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है और अब पुलिस ने सभी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उनकी धरपकड़ शुरू कर दी है। यूपी के बुलंदशहर में दिन दहाड़े दिल्ली कानपुर नेशनल हाईवे पर 3 बाइकों पर सवार 6 बदमाशों ने शराब ठेके के सेल्समैन से 2,36,000 की लूट कर ली और विरोध करने पर डंडा मारकर उसे घायल कर दिया। घायल सेल्समैन को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि सेल्समैन शराब ठेके से नकदी लेकर बैंक में जमा कराने जा रहा था। घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती ये है बुलंदशहर के सिरोधन में स्थित शराब ठेके का सेल्समैन ललित और सोनू, जो आज तड़के शराब ठेके की कल से सेल के 2,36,000 रुपए की नकदी लेकर बाइक से बैंक में जमा कराने जा रहे थे कि पीछे से 3 बाइकों पर सवार होकर आए 6 बदमाशों ने धावा बोल दिया और नकदी से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। आपको बता दें कि यह वारदात जिला जेल के पास हुई है। मेरा नाम ललित है जी। क्या हुआ, किस तरह से लूट हुई तुम्हारे साथ? वो 3 बाइक थी और उन पे दो दो बंदे थे, हम दो बंदे आ रहे थे कैश लेके और उन्होंने एक संग बाइक में लात मारी। जो हमारे साथ में दूसरा बंदा है सोनू, वो बाइक चला रहा था, मैं पीछे कैश पकड़ के बैठा था, तो उन्होंने बाइक में लात मारी, उसने बाइक को मंदी किया, इतनी उन्होंने डंडा बरसाने चालू कर दिए। फिर वो कैश लेके भाग गए। हमने फिर 100 नंबर पर कॉल की, जब 100 नंबर आई हमारे पास। अच्छा, ये किस जगह लूट हुई, क्या? जेल से उल्टी तरफ जो पुलिया पड़ती है, हाँ, वहाँ पर हाईवे पे लूट हुई है। हाँ, कितने पैसा था? करीब करीब 4-3.5 लाख रुपये। 3.5 लाख रुपये? हाँ, 4-3 लाख रुपये। तो वहाँ कोई पुलिस के कोई मौजूद नहीं थे क्या, जहाँ लूट हुई थी हाईवे पर? वहाँ तो उस समय कोई भी नहीं था। सर में क्या मांगा? वहीं पुलिस भी हाईवे पर हुई दिन दहाड़े लूट की वारदात को संगीन मानकर मामले की जांच में जुटी है और घायल सेल्समैन को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक लूट हुई है शराब के सेल्समैन से दिन दहाड़े, क्या मामला है, कितने पैसे इसमें गए हैं? लगभग 2,30,000 रुपये जो अभी तक बताए हैं इन्होंने ले करके, ये शराब की दुकानों के सेल्समैन हैं, इनके साथ डंडा मार करके लूट की घटना घटित हुई है। चेकिंग कराई जा रही है, प्रॉपर तलाश की जा रही है बदमाशों की, जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। सर कितने बदमाश थे और किस तरह से लूट हुई है? लगभग 6 बदमाश बताए जा रहे हैं, तो 4 बदमाश बताए गए हैं, 2 जो जिन्होंने सूचना दी है इस कंट्रोल रूम को, वो भी प्राइवेट लोग थे और उन्होंने सूचना दी राह चलते हुए, उसी को लेकर के बताया जा रहा है। 4 लोग थे, लूट की घटना की है, बाकी गिरफ्तारी की जा रही है। इस घटना के बाद अब सवाल ये खड़ा होता है कि योगी राज में जनता की सुरक्षा कैसी हो रही है, जहां दिन दहाड़े लोग लूट का शिकार हो रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताजा और तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CNN, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता।